टीआरएस पार्टी मजलिस पार्टी की गुलाम बन चुकी है। हम देख सकते हैं कि कल भादुरपुरा के ब्रिज में, ब्रिज के निर्माण के द्वारा जहां पे इनॉग्रेशन करने के लिए गए, वहां पर तेलंगाना के एक झंडे का झंडा नहीं है, टीआरएस का ना कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। कोई है बोले तो सिर्फ मजलिस मजलिस मजलिस। क्या मैं केटीआर से पूछना चाहता हूँ, सरकार टीआरएस की चला रहे या मजलिस पार्टी चला रही, मैं केटीआर से पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि केटीआर मजलिस के गोद में जाके बैठी, मजलिस टीआरएस के गोद में जाके बैठी। बतारीख 22 अप्रैल को पुराना पुल में हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर नाजेबा जुबान का इस्तेमाल करने के खिलाफ केटीआर का मुजस्सिमा जलाया गया। नितिन नानकर बीजेवाईएम सिटी सदर की क्यादत में मोहिनी दर्शन जियागुड़ा कॉरपोरेटर, आकाश सिंह सिटी जनरल सेक्रेटरी, कुणाल सिंह सिटी जनरल सेक्रेटरी, सोमराज सिंह, श्रवण मुदिराज, मधुसूदन, सचिन, राकेश, राजपाल, मनीष जैन और दिगर कार्यकर्ताओं ने इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और तमाम एहतजाजियों ने केटीआर डाउन डाउन के नारे बुलंद करते हुए केटीआर के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए। आइए देखते हैं इस खसूस में वहां के चंद मनाजिर एवरी टाइम्स न्यूज चैनल के साथ। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गोलकुंडा जिला की टीम की तरफ से पुराना पुल पे जियागुड़ा कॉरपोरेटर दर्शनन्ना के नेतृत्व में यहाँ पर आए सभी युवा मोर्चा के मैं सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी गोलकुंडा जिला के अध्यक्ष बी पांडु यादव जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट भानु प्रकाश जी के नेतृत्व में आज तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर के पुतले को हमने जलाने का काम किया है। अफसोस इस बात का है कि तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर को आईटी मिनिस्टर के जगह उन्हें बोलने के मिनिस्टर में रहने की जरूरत थी, क्योंकि बोलने तो आता नहीं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि करोड़ों की बात करने वाले पकौड़े की बात कर रहे हैं, अरे केटीआर साहब, आप तो, आपको जो सेंट्रल से जो पैसे आ रहे, डबल बेडरूम के पैसे किसके पास से आ रहे? सेंट्रल की तरफ से आ रहे। तेलंगाना स्टेट में रोड्स जो बन रहे किसके पैसों से आ रहे? सेंट्रल के पैसों से आ रहे। जो सुकन्या योजना, जितने भी स्कीम्स है, कहां से पैसे आ रहे? सेंट्रल के पैसे से आ रहे। आज टीआरएस पार्टी मजलिस पार्टी की गुलाम बन चुकी है। हम देख सकते हैं कि कल भादुरपुरा के ब्रिज में, ब्रिज के निर्माण के द्वारा जहां पे इनॉग्रेशन करने के लिए गए, वहां पर तेलंगाना के एक झंडे का झंडा नहीं है, टीआरएस का ना कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। कोई है बोले तो सिर्फ मजलिस मजलिस मजलिस। क्या मैं केटीआर से पूछना चाहता हूँ, सरकार टीआरएस की चला रहे या मजलिस पार्टी चला रही, मैं केटीआर से पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि केटीआर मजलिस के गोद में जाके बैठी, मजलिस टीआरएस के गोद में जाके बैठी। दोनों से कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ वादे कर रहे, झूठे वादे कर रहे, झूठी बातें कर रहे, लोगों को गुमराह कर रहे, और काम का नाम नहीं, नाम का काम नहीं, बस बोलना 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 यही हो रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा गोलकुंडा जिला की टीम तेलंगाना की सरकार को यह चेतावनी देती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हो, किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर गलत बात या गलत टिप्पणी करेंगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और उसी तरह से आज हमने दिया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता।